हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद कस्बे के नलवी रोड पर स्थित हर गोविंद कोल्ड स्टोर से मंगलवार देर रात अचानक अमोनिया गैस लीक हो गई। जब तक पता चलता तब तक गैस काफी दूर तक फैल चुकी थी। पास ही बसे बाजीगर डेरे में काफी लोग गैस की चपेट में आ गए, 20 से ज्यादा बेहोश हो गए। कईयों को सांस लेने में दिक्कत हुई तो कईयों की उल्टी व चक्कर की शिकायत हुई। पता चलते ही पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। आनन फानन में आसपास के डेरे भी खाली करवाए गए। करीब 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में ले जाए गए। हालांकि इनमें से 20 के करीब ही गैस से प्रभावित थे, अन्य को एहतियात के तौर पर अस्पताल में लाया गया था। दो की हालत ज्यादा खराब थी, जिन्हें कुरुक्षेत्र रेफर कर दिया गया है। उनकी हालत में अब सुधार है। देर रात 12 बजे तक बचाव अभियान जारी रहा। गैस की चपेट में वहां से निकलने वाले 3 मोटरसाइकिल चालक भी आए, जिससे वे बेहोश हो गए और नीचे गिर गए। पुलिस ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, जिसे सुबह खोल दिया गया। शाहबाद नलवी रोड पर गुरु गोविंद कोल्ड स्टोर में मंगलवार रात्रि लगभग 9 बजे अमोनिया गैस लीक हुई। गनीमत रही कि उस समय कोल्ड स्टोर में कोई भी कर्मचारी नहीं था, सभी कर्मचारी खाना खाने गए हुए थे। जबकि कोल्ड स्टोर के साथ लगते बाजीगर डेरे में लगभग 40 परिवार रहते हैं। गैस लीक होते ही अचानक उन्हें दम घुटने की शिकायत शुरू हो गई और उल्टियां लगने लगी, जिस पर सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। अमोनिया गैस के रिसाव की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा। हेल्पर्स की टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस द्वारा प्रभावित लोगों को सीएससी शाहबाद में पहुंचाया गया। एहतियात के तौर पर पुलिस ने मारकंडा मंदिर के बाहर शिव मंदिर के साथ नाका लगाया था, ताकि मारकंडा के पुराने पुल से आवाजाही बंद हो जाए। वहीं जलेबी पुल पर चढ़ने से पहले भी नाका लगाया गया। नलवी की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया था। मौके पर पहुंचे डीसी धीरेन्द्र खटगड़ा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही डीएसपी सुरेंद्र सिंह और डीएसपी धीरज कुमार भी मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी विनीत कुमार, चौकी प्रभारी सुनील सहित भारी पुलिस बल के साथ तैनात रहा। समाज सेवी संस्था हेल्पर टीम प्रधान तिलक राज एवं पूर्ण सिंह के साथ मौके पर पहुंचे। विधायक और फायर ऑफिसर के साथ तिलक राज भी अंदर आए। बार बार गैस पाइप के ऊपर पानी डाला जाता और दोनों मौके पर जाकर ठीक करने का कार्य करते। इस तरह 8 बार पाइप के ऊपर पानी डाला गया, जब तक वॉल्व को खोलकर पाइप के अंदर कपड़ा डाला गया। हर बार पानी का छिड़काव करते, लेकिन गैस की मात्रा ज्यादा होने के कारण फिर बाहर आना पड़ता। विधायक ने स्वयं गैस पाइप के वॉल्व को खोलकर उसके अंदर कपड़ा फंसाया, जिससे गैस की सप्लाई बंद हुई और स्थिति पर काबू पाया गया। मौके पे ना हमारे से आने से पहले ही विधायक साहब वहां खड़े थे ना, वो लोगों को यहाँ से उठा उठा के वो उधर गांव के परिसर छोड़ के आ रहे थे, तो यहाँ तो एंट्री है ही नहीं थी। तो विधायक जी बड़ी मुश्किल से रुमाल रुमाल बांध के यहाँ किसी सारा बैठे हुए थे ये गेट के ऊपर ही, तो ये भी बेचारे कोई आदमी बचा लो ऐसे बेचारे करते थे। बड़ी उन्होंने बहुत मदद करी है। तो बस उधर गया तो फोन आया भी यहाँ ऐसे हर स्टोर में गैस लीक होगी। आया इतना मैं आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। पब्लिक मोटरसाइकिल वाले गिरे थे, जो पटाने सारे चले गए थे। ये हमारे ब्रिगेड साहब यहाँ खड़े थे नहीं फारूक ब्रिगेड, तो पानी बहुत गिरा, बहुत दिक्कत आई, सांस भी नहीं रहा, अभी बोले भी नहीं रहा। तो बहुत ही मतलब सब फारूक ब्रिगेड वाले सब लगता जो स्थिति है काबू में, अब काबू आएगी। जो मेन जगह जो पॉइंट था वहाँ पहुँच गए। कोल्ड स्टोर है, उसके अंदर गैस रिसाव की शिकायत आई थी, जिसके अंदर फौरी फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस प्रशासन में पहुंच के और कंट्रोल में स्थिति, जो इन लोगों को असर हुआ था उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया और गैस को काबू पाया जा रहा है। JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।